अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह का करम होगा। अभी दिन के बज चुके हैं, देखिए 12 बजे हैं क्या, नहीं गलत है टाइम, इधर यहाँ पर उठाता हूँ। तो अभी 3:30 हो चुके हैं और रमशा बना लिए गोल गप्पे, और टाइम का अभी भी डाउट है, क्या टाइम है बताने। अच्छा 4:30 होने वाले, टाइम गलत बताया आपको। तो गोल गप्पे बनाएगी तो वो दिखाती हैं गोल गप्पे कैसे बनाती है, कैसे बनते हैं, बिल्कुल गोल गोल बनते कि नहीं, और फिर जो भी एक्टिविटी हुई आज की इंशाल्लाह बताएंगे। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी किचन में आ गए और रमशा ने पनीर बनाई है, बन चुकी नहीं? अच्छा, अभी दूध वो कर दिया ना, ठंडा हो गया। अच्छा तब मैं पनीर इसका बनाऊंगी। अच्छा पनीर बनाओगी अभी? तो पनीर बनाने का तरीका भी बता दो, साथ लोगों को जो देख रहे हैं उनको पता लग गया, जल्दी बताएं। दूध लें, ठीक है, सबसे पहले। अच्छा दूध लें। अच्छा उसमें क्या करें, उसको बॉईल करने रख दें, ठीक है? है वो बॉईल हो जाए तो उसमें ये जो चम्मच है नहीं, चम्मच सही है, ठीक है, ये भर के दो। अच्छा सिरके के डाल दें, ठीक है, गरम दूध में, ठीक है। उसके बाद उसको मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें, ठीक है। दूध जो है वो फिट जाएगा, ठीक है, अलग हो जाएगा दूध, अलग पानी अलग हो जाएगा। फिर उसको ठंडा करने के लिए रख दें। जब वो ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो अब मैं इससे पनीर निकालती हूँ, ठीक है। अब पनीर निकालने का तरीका भी देखते हैं। और कपड़ा कपड़ा भी बताओ, कपड़ा कौन सा? कपड़ा जो है वो मलमल का यूज करें, मेरे पास ये एक कपड़ा था। अच्छा मलमल का कपड़ा, मतलब दूसरा कपड़ा क्यों यूज कर सकते, कोई रीजन? दूसरा भी यूज कर सकते, मैंने पहले किसी और कपड़े से निकाला था, पर ये कहते होंगे ये सही होता होगा ना। अच्छा अब इस तरह का एक बाउल ले, ठीक है, जो जिसमें पानी नीचे चला जाए और बाकी जो सही है जो जमा हुआ होगा वो ऊपर रहे, ठीक है। अभी इसको मैं ऐसे करते थे। कपड़ा कितने मजे का लिया हुआ रमशा ने, यहाँ कुछ गर्म तो नहीं है? नहीं ठंडा हो गया। अच्छा ऐसा कैसे तेजी से निकालने? हाँ मुझसे हाँ ऐसे धमाके के साथ आपने धरस करके आवाज आनी चाहिए, नहीं तो बाबू पनीर सही नहीं बनेगा। मुझसे तेजी से कैसे क्या? अच्छा अब ये पंडुकली सी बन रही है। हाँ अब ये जो है पानी निकल रहा है, ठीक है। अच्छा और ये पनीर बन गया? नहीं नहीं अभी नहीं बना। अच्छा जो इसमें था जिचकी में वो सारा मैंने निकाल दिया, ठीक है। अच्छा सही है। अब इसके बाद इसको जितना भी पानी इसका अच्छी तरह निकाल लें, वो निकाल लें, ठीक है। ठीक है ठीक है, मुंह खुल कर वहां से इसका, ठीक है जी। पनीर का अच्छी तरह से जितना पानी निकाल लें, ठीक है पानी निकाल लिया जी, ठीक हो गए यहाँ तक तो बात। ये मैं इंस्टेंट पनीर बनाने का तरीका बता रही हूँ। अच्छा हर चीज दवाई इंस्टेंट होती है? अच्छा हाँ, पर लोग देख के बनाए वैसे बनी ना? नहीं मेरी तो देखो लाइव वीडियो में ही कर रहे हैं। अच्छा चलो अब देखते हैं क्या करना है। उसके बाद देखो पानी गिरा लगानी है। अब पानी देखो हाथ से निकल सकते हैं ना, वो निकाल के फिर इसको गिरा लगा, टाइट हो गई। अच्छा टाइट हो गई, गिरा लगा दी, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं इसको तार के साथ, बाहर जो तार होती है ना उसके साथ लगा देते, पर मैं इंस्टेंट तरीका बता रही हूँ इसलिए तार नहीं लेंगे हम। अच्छा हम किसी और चीज के साथ बांधेंगे? नहीं हाँ हम ये वाला ट्रे लेंगे। अच्छा ठीक है हाँ, उसमें ये पनीर को ऐसे रख के सही है। और ये जो है ना अब इसको क्या मुझे क्या पता, लेकिन हाँ ये काफी हैवी है, ये इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है सही है, हैवी चीज मतलब ऊपर रख देंगे। हाँ इसके ऐसे बैलेंस में रहे, ठीक है, सही पे नहीं जाए, सही है रख देंगे इसको। ये पानी सारा निकल आएगा? हाँ ये पानी देखो जरा, पानी जो है वो सही सारा निकलेगा। 10-20 मिनट बाद फिर मैं आपको खोल के बताती हूँ कैसे ये गोल होगा, सही ना। पनीर रेडी होता है तो मैं आपको बता दूँ कि गर्मी काफी शदीद हुई आज, 42 सेंटीग्रेड है यहाँ पे तरबेला गाजी में, और सही मज़ेदार किस्म की धूप है और मौसम गर्म होता जा रहा है। अब बस रमजान में मजे कर लिए ना, अब गर्मी ने तो आना है और बस ये 3-4 दिन है, फिर जून स्टार्ट हो जाएगा, फिर अच्छी खासी गर्मी शुरू हो जाएगी। अब निशा से अपडेट लेते हैं, निशा क्या अपडेट है? अब इसके बाद हम इमली आलू बुखारे का शरबत पियेंगे। ऊंचा बोले अब इसके बाद हम इमली आलू बुखारे का शरबत पियेंगे। ऐसे ये शरबत आंखों से गए, आंखों इशारे करके पियेंगे? हाँ
खाना उसको फ्रिज से निकाल के बाहर रखा हुआ, और उसके बाद फिर गोलगप्पे बनाएंगे। गोलगप्पे बनाएंगे? अच्छा, गोलगप्पे बनाने आज बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ तो क्या सोच रही, गोलगप्पे बस सोचो में बन रहे? नहीं वो चने नहीं निकाले फ्रीजर से, तो वो तो निकालो पर ठंडी बर्फ हाँ। होंगे। अच्छा जी, आप क्या जिम से करने लगी हो? अब गोलगप्पे बनाने के लिए ये पहले से उबाल के रखे हैं। हाँ, ये पहले से बाजी ने उबाले। अच्छा, तो ये अब हमने निकाल के रखने। वैसे गोलगप्पे के लिए छोटा चना जो होता है ना, छोटा वाले ही बड़ा ना, छोटा चना वो यूज होता है। तो गोलगप्पे आप खुद बनाएंगे या कहीं से लाए आपने? गोलगप्पे बने हुए मतलब के कच्चे जो हैं। कच्चे? हाँ, वो हिफ्जा ने मुझे ला के दिए थे अमेरिका से। ठीक है, सही। यहाँ पे भी मिलते हैं। तो आप क्या प्रोसीजर है? अब वो गोलगप्पे निकालूंगी, ठीक है, और उनको फ्राई करूंगी। वो गोलगप्पे साथ चाट बनाऊंगी, सही है, और साथ टॉटरी लेकर आई हुई उससे खट्टा पानी। ठीक है, तो अभी मेरे जैसे दूध खत्म हुआ है, कार्टन लाते होते हैं हम यहाँ पे ऑर्डर वाले, बिल्कुल खत्म हुए जाता हूँ, फिर अभी चाय बनेगी पहले। तो फिर दूध ले आये और वहाँ दूध ले रहे थे तो गर्म गर्म उबली छली मिल रही थी, मसाला लगा के ले आये। आपको भी अच्छी लगती है वो घिया? आजकल लोग तो इस सीजन में खाते हैं, उनसे पसंद है तुम्हें? हाँ हाँ, दूध रख दो। एक बंदा ये इसको छली अच्छी लगती है इंतजार में, और हम छली बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और हमेशा छली बोलते हैं ना, छली वगी सिटा। हाँ सिटा, तो अब ये सबको बांट रही रिमशा। तुलसी का भी हिस्सा हुआ है, तुलसी को भी ये छली पसंद है। हाँ ना तुलसी, पसंद है? पसंद है तुलसी? हाँ पसंद है इसको। अभी मजेदार किस्म की छली खाई है, बड़ा मजा आया। मेरी जल्दी खत्म होगी, मैं दूसरों को देख रहा हूँ, मत कोई इमदाद मिल जाए, मत कोई इमदाद। अच्छा तुम खत्म कर चुकी हो? ओहो चलो, हरीम भी वहाँ सामने खड़ी हुई, इसको भी अच्छी लग गई है। तो कमेंट बताएं आपको अच्छी लगती है कि नहीं, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। और ऐसा कि उबली हुई हो या रेत वाली हो तो वो तो उसका अपना ही मजा है। मजी अच्छा रिमशा, आप क्या ये पानी क्यों रखा हुआ है तुमने? अब जो है ना, हाँ हाँ, अब जो है ना पानी मैंने इसलिए रखा है कि मैं वो खट्टा पानी बनाती हूँ गोलगप्पों के लिए। अच्छा, तो ये अभी हमने ठंडा पानी लिया, ठीक है? ठीक है। और ठंडा पानी क्यों लिया? ठंडा पानी मजा करते हैं ना। अच्छा, गर्म पानी में अब क्या मिक्स करने लगी हो? अब मैं इसमें चाट मसाला, अच्छा, हसबे जायका, हसबे जायका चम्मच मैंने दी, टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, चाट मसाला कैसा हो गया? पानी ज्यादा नहीं है? नहीं, पानी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो गोलगप्पे हैं ना वो 30 दाने हैं। अच्छा, तो उनके हिसाब से पानी ठीक है ना? हाँ फिर तो ठीक है। ये भी गोलगप्पे इसमें चाट मसाला मिक्स करके, वैसे इमली का लोग पानी बनाते रहे, हमारे पास इमली खत्म है। खत्म, ये भी चाट मसाला उस दिन लाया था मैंने, उसका मैंने शरबत बना लिया जो अभी हम थोड़ी देर में पियेंगे। अच्छा, अब नमक। हाँ अब नमक, ठीक है ठीक है, इतना सा डालती हूँ, फिर उसके बाद टेस्ट करूंगी। सही है, थोड़ा सा और डाल दी, उसके बाद टेस्ट करूंगी कि क्या। अभी मोबाइल भी विकेट का मिक्स कर रही हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। और अब इसमें लास्ट चीज डालेंगे। अच्छा क्या? वो मत बताओ ना, बताओ। वो नहीं बता सकते अभी, वो बीवी कह रही है नहीं डाल दूंगी, बताते उसको। नहीं नहीं, ना नमक डाल दिया, अब ये थोड़ी सी टॉटरी ली है खटास के लिए। अच्छा अच्छा, और ये इसके में मिक्स करती हूँ, तो चाट मसाला नमक और टॉटरी हमने मिक्स किया, ठीक है, इससे खटास होती है, इससे अब खट्टा पानी बन जाएगा। ये जी गोलगप्पे हैं जो बनने वाले हैं अभी, और सही ये तो सॉलिड किस्म के हैं, ऐसे प्लास्टिक हो। और ये गोलगप्पे देख लें आप, और ये कहाँ से मिल जाएंगे? ये बाहर से लाई हो? ये तो हैदराबाद से लाई, ये अमेरिका से आए जी, स्पेशल अमेरिका से आए जी। लेकिन यहाँ पे भी बड़े मार्ट में मिल जाएंगे, जैसे तरबेला मार्ट और बड़े मार्ट में इजीली मिल जाएंगे, ढूंढते रहे फिर। वेलकम बैक, वेलकम बैक जी, अब तैयार कर रहे हैं जी। क्या तैयार करिए रिमशा? गोलगप्पे के लिए चाट तैयार हो गया ना, तकरीबन तैयार हो गया, और अभी गोलगप्पे तैयार होने जा रहे हैं। अभी शाम का टाइम है, शावर लिया क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, और इसलिए खुले खुले कपड़े और वाइट कलर का पहना क्योंकि गर्मी ज़्यादा नहीं लगे। और अभी जा रहा हूँ रोड की तरफ, जाता हूँ, हलीम आज घर में बन रही है और गोलगप्पे भी,
तो हलीम के लिए मसाला लेके आऊंगा, मसाला मतलब हम शान में लेते हैं जिसमें और क्या कहते हैं दालें वगैरह होती हैं पीसी भी नहीं होती, तो उससे ज़्यादा जायका अच्छा आता है। और देखते हैं कैसे बनती है हलीम भी, तो अपडेट आपको करेंगे साथ साथ। हो जाते हैं अभी रोड की तरफ, आए हमारे साथ। ये हैं हमारे नासिर भाई जो बिल हमारे संभाल के रखते हैं, तो अभी भी हमें कोई गिफ्ट देने वाले हैं, गैस और गैस बिजली है दोनों सारा जी। देखें सारा जी सिस्टम संभाल के रखा हुआ है, अल्लाह खैर करे। इस पर बिल कितना आया होगा देखते हैं। और नासिर भाई ठीक है आप, अभी नींद से उठे हैं। यहाँ बच्चों का मेला लगा हुआ है, देखें रश बनी हुई है। क्यों रश बनी हुई है? तो यहाँ पे ऊपर पतंगबाजी हो रही है, और ये देखें ऊपर आसमान के ऊपर पतंगे उड़ रही हैं बड़े ज़बरदस्त। हाँ हाँ हाँ, ऊपर भी एक किसकी है, और ये बंदे बच्चे यहाँ पे, यहाँ नीचे भी कुछ है मुजाहिद। अच्छा इसकी भी है एक। अच्छा जी किचन में हम आ चुके हैं, और आपको अपडेट देते हैं कि पनीर बन चुका है, और पनीर बिल्कुल रेडी हो गया। अच्छा रेडी हो गया ना, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ। अच्छा देखें बिल्कुल तैयार हो चुके, पानी अलग ज़रा भी नहीं है इसमें। ठीक है जी, खाने के लिए तैयार है? हाँ। अच्छा तो गोलगप्पे भी बनने वाले हैं, तो ऑयल गर्म हो चुका है, देखते हैं गोलगप्पे कैसे रिमचे बनाती है, गोल बनते कि भी नहीं कि नहीं। देखिए पनीर बन चुकी है, और ज़बरदस्त किस्म की पनीर बन चुकी है। अच्छा पनीर होता है, ये पनीर होता है। अभी ऑयल गर्म हो चुका है, और गोलगप्पे बनना स्टार्ट होंगे अभी। चिमचा साथ साथ आप बोलेंगे अब। सही है, देखो ये हमने गोलगप्पे लिए थे, ठीक है? ठीक है। और ये चावल है, इसमें डाल। अभी मैं फर्स्ट टाइम कुक कर रही हूँ, ऐसे रिश्वा बनाती हूँ। देखें गोलगप्पे है माशाल्लाह, सूज गए है ना, सही गोल निकल आए हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ठीक है हो गया, निकाल दें ऊंचा। वाह, किचन में खड़ा हूँ, काफ़ी गर्मी है, पसीने अभी ये लगाया है एग्जास्ट, और ऊंचा लगी ये कुक करने में गोलगप्पे, और बड़ी मदद किचन में खड़े हो गए काम करना। ये देखें अजीब से पौधे, इसका क्या नाम है राफिया? हाँ इसका क्या नाम है यार? मुझे भी नहीं पता, बस नाम ही बताओ। ड्रैगन बोला तो नहीं है? ड्रैगन आई थिंक इसका नाम ड्रैगन। इस तरह से गोलगप्पे बन चुके हैं जी, मज़ेदार किस्म के, और सही गोल गोले हैं देखें, और आवाज़ भी आ रही थी क्रिस्पी हैं। साथ ये चाट बना हुआ जो हम इसमें डाल खाएंगे, और ये पानी इसका खट्टा खट्टा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, कौन बिस्मिल्लाह करेगा पहले? राफे खाओ आप पहले, आप खाएं। तो राफे पहले ट्राई करेगी, पहले ट्राई करने के राफे आगे हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिमचा ने बनाए हैं जी, और इतना भी ना सही है। अब ये गोलगप्पे खाने का सही तरीका, चलो हमसे इंतजार नहीं हो रहा, आपने बहुत टाइम लगा रही है। आए शुरू कर रहे थे, चलो राफिया काजी तसनी वाली आजी मेरा। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी गोल गप्पे रह गए, काउंट डाउन में एक मिस हो गया, रखे काउंटिंग गलत हो गई, मेरे नसीब में आ गए। बनाते हैं आपके सामने, सबसे पहले चाट लें और उसमें ऐड करें हसबे जायका, फिर इसके अंदर डिप करें पानी मज़ेदार सा, और ऐसे इस तरह से पार्टी दी एंड हो गई है। गोलगप्पे वैसे कम थे थोड़े से, पर ये कि मज़ेदार काम हो गया, ये पानी बहुत मज़े का था। आप बताएं कमेंट में आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आया जी। अभी हलीम बन रही है, हलीम के लिए तड़का क्यों बन रहा है? तड़का
तड़का लगाया फिर यहाँ पे मिक्स होगी, अब इसमें मिक्स हो जाएगी। अच्छा, इस तरह से तड़का मिक्स हो गया, डल गया, मिक्स होगा इंशाल्लाह। आज इसे रखते हैं इधर। तो सब हलीम बना रही है, धर्मचंद ने गोलगप्पे बनाए थे बड़े मज़े के। हलीम सब बड़े मज़े की बनाती है, लगा रही आज भी मज़े की बने। तो फाइनल लुक तो नहीं बताऊंगा अभी, बस एंड करता हूँ वीडियो को क्योंकि फिर एडिट करूँगा। इस तरह से गोलगप्पे वगैरह खा लिए, बड़ा मज़ा आया, सही इंजॉय किया। और थोड़े थे थोड़े दिल कर रहा था थोड़े और होते तो खाते, और किसी दिन कंपटीशन भी करेंगे आपकी रिक्वेस्ट पे, अगर आपने कहा तो इंशाल्लाह एक कंपटीशन करें रिमशा और मैं आपने मुकाबले लगाएंगे। और ये रीम भी आ गई, रीम आज पूरे व्लॉग में नहीं आई हुई, से हाय करे, से हाय करे, से हाय करो, नहीं आज मूड नहीं है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया हो। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग तक, अपना बहुत ख्याल रखें।